तो ये देखिए भीड़ आप देखिए, यहाँ पर जो है भर्ती कैंप का आयोजन हुआ है और तमाम लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये सुजुकी ओला में डाले थे तो आज गए जमा करने, तो वहाँ ओला कंपनी ये नहीं आया है। तो कैसे होगा, तो दूसरा में ट्राई करेंगे। सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं अब, इतना मुश्किल से सरकारी अभी प्राइवेट में मिलता ही नहीं बेरोजगार। कहाँ तक पढ़े आप? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या नाम है? रानी कुमारी। कहाँ घर है रानी? महिला में टाटी सिल। आप क्या चीज के लिए भरे हैं? कौन कंपनी में? एम्बुलेंस कॉल सेंटर। एम्बुलेंस कॉल सेंटर का? वही एम्बुलेंस कॉल सेंटर। कितना पद है उसमें? 25 है। 25 पद है। आप कहाँ से हैं? मांडर। मांडर से। कितना पढ़ाई लिखाई की? बीए फाइनल। फाइनल में है? पीजी में है अभी। क्या चीज का दिया? कॉल सेंटर। अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है सो। अभी होगा? यस सो। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। क्या चीज से? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बेरोजगार नौकरी के लिए पहुँच रहे हैं। आज कई प्राइवेट कंपनियाँ आई हुई है। रांची के सर्कुलर रोड में जेपीएससी कार्यालय के ठीक बगल में ये देखिए श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग का जो है नियोजनालय सेंटर है और यहाँ पर किस तरह से आज भीड़ लगी है आप ये देख सकते हैं कि बेरोजगारों की भीड़। आज जैसे ही इन्हें पता चला कि यहाँ पर भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है, आप चारों तरफ देखिए सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं लोग और नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं। भर दिए आप लोग? नहीं भरे। आपको ना सर यूट्यूब में आपका न्यूज़ बहुत देखते हैं। देखते हैं? हाँ हमेशा देखते हैं। आपका भी आ जाएगा? आप डालिएगा तो आ जाएगा। क्या चीज में भरे? ये सुजुकी ओला में डाले थे तो आज गए जमा करने, तो वहाँ ओला कंपनी ये नहीं आया है। तो कैसे होगा? तो दूसरा में ट्राई करेंगे। सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं अब, इतना मुश्किल से सरकारी अभी प्राइवेट में मिलता ही नहीं बेरोजगार। कहाँ तक पढ़े आप? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या नाम है? रानी कुमारी। कहाँ घर है रानी? महिला में टाटी सिल। सरकारी नहीं मिलता इसीलिए सोच रहे हैं कि इधर भी दिक्कत। हाँ मतलब अभी जैसे प्रॉब्लम होता है ना स्टूडेंट को अपना पॉकेट मनी, घर से भी बहुत मुश्किल से होता है। हाँ हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब एक जगह ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहीं सर बोले कि फॉर्म भरो जो मतलब जो रोजगार मेला वाला होता है वहाँ फॉर्म भरो, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म भर दिए थे तो कल मैसेज आया शाम में, उसी में नोटिफिकेशन देखे तो फिर यहाँ आ गए। ये आप लोग सब भर दिए हैं? क्या चीज़ के लिए? ये लोग सुजुकी मारुति के लिए भरा हुआ था, कंपनी आया हुआ था लेकिन कंपनी अभी ये लोग को फुलफिल नहीं हो रहा था इसलिए लोग नहीं भर पाया। अब ये लोग को बेस्ट जॉब के लिए ये लोग को अप्लाई करने जा रहे हैं। आप कौन हुए? हम रोशन कौर महतो हुए। आप भी भरने आए थे? हम ये लोग को भराने आए थे। आप नहीं भर पाए? हम भी वही मारुति सुजुकी में भरे तो नहीं हुआ सर। कंपनी है LIC है तो उसी में भर रहे हैं। नहीं बिट सर। कहाँ तक पढ़ी है? अभी तो हम ग्रेजुएशन में है। हम 12th पास। आप क्या चीज़ में भरने आए? हम भी सुजुकी। तो ये देखिए भीड़ आप देखिए, यहाँ पर जो है भर्ती कैंप का आयोजन हुआ है और तमाम लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे सिलेक्शन हो रहा है उनका इंटरव्यू भी हो रहा है। ये यहाँ पर आप लोग इंक्वायरी कौन कर रहे हैं? जी इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन पहले कर रहे हैं जी, पहले यहाँ पर उपस्थिति दर्ज होता है। कितना लोग आया? आगे 300 लोग आए। हाँ 350 के आसपास। 350 लोग। अब नौकरी कितने को मिलना? आप तो कंपनी वाले कितने लोग सिलेक्ट करते हैं तो उनके ऊपर है। इनका जो इधर बैठे हैं ये लोग क्या है? ये सब इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। अच्छा, एक एक करके इंटरव्यू अंदर हो रहा है? हाँ, नाम बुलाया जाएगा। अच्छा। रिज्यूम जमा है। हाँ। नाम बोला जाएगा सबको वहाँ पे। हाँ हाँ इंटरव्यू होगा। आप क्या चीज के लिए भरे हैं? कौन कंपनी में? एम्बुलेंस कॉल सेंटर। एम्बुलेंस कॉल सेंटर का? उसका भी निकला है यहाँ जी। कहाँ से आए हैं? यही रांची से। रांची से। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? बीए। बीए जी। सरकारी नौकरी का तैयारी नहीं करते हैं? करते हैं जी। आप कहाँ से आए हैं? यही रांची से। आप क्या चीज़ें भरे हैं? रिसेप्शनिस्ट। कौन सी? बेस्ट जॉब।
आप कहाँ से हैं? रांची हेल। क्या चीज में भरे हैं? वही एम्बुलेंस कॉल सेंटर। कितना पद है उसमें? 25 है। 25 पद है। आप कहाँ से हैं? मांडर। मांडर से। कितना पढ़ाई लिखाई की? बीए फाइनल। फाइनल में है? पीजी में है अभी। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? फोन में मैसेज किया था। तो देखिए सभी लोग जो है अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। सामने आगे काउंटर है और वहाँ से इनका जो है सिलेक्शन हो रहा है और उसके बाद एक एक करके बुलाया जा रहा है। आप क्या चीज़ के लिए भर रहे थे? हम भरे हैं विकलांग में। हाँ? विकलांग। विकलांग वाले में। उसमें क्या चीज़ है? कंप्यूटर। कंप्यूटर। कहाँ से आए हैं? कोकर। कोकर से। आप किस में भरे हैं? हम 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर में। हुआ आपका? अभी तो रिज्यूम जमा ही किया है। अभी इंटरव्यू होगा। हाँ। क्या लग रहा होगा? पता नहीं, फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आए। हाँ। इससे पहले कहीं नौकरी किए हैं? नहीं, इससे पहले PMKBY में ट्रेनिंग किए थे, नौकरी नहीं किया। तो ये देखिए, ये दूसरी कंपनी है। आप किस कंपनी से हैं? बेस्ट जॉब से। हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हैं। इस कंपनी का यहाँ जमा हो रहा है? हाँ, इस कंपनी का जमा यहाँ एप्लीकेशन हो रहा है। इसमें कितने पद के लिए? इसमें तो बहुत सारे पद है। सिक्योरिटी गार्ड भी है। देखिए सिक्योरिटी गार्ड है, एम्बुलेंस कॉल सेंटर है, फिर वायर हाउस पैकिंग है, वेयर हाउस पैकिंग है, इस तरह का है। हाँ, और ये भी है, कॉल सेंटर खाली है, डिलीवरी बॉय है, एम्बुलेंस ड्राइवर है, यही सब बेस्ट। अभी इसको ये करके फिर अंदर इंटरव्यू हो रहा है? हाँ, अंदर इंटरव्यू हो रहा है। कुछ हम लोग 10-20 करके भेजते हैं जब कॉल करता है तो। आप किस से हैं? हम भी LIC से नहीं हैं, हम भी यहाँ के इम्प्लीमेंटेशन के स्टाफ। LIC का ये काउंटर? हाँ। LIC में किस किस पद? LIC में बस LIC एजेंट के लिए है। हाँ। इंटरेस्टेड हो रहे हैं? हाँ, लड़के तो इंटरेस्ट हो रहे हैं। कम से कम वही 25 कैंडिडेट लगभग आए हुए हैं अभी। हाँ। क्या है इसका सैलरी वगैरह? सैलरी वगैरह इसमें दिया हुआ है आपका, सैलरी 6,000 से 20,000 के अंदर। हाँ। क्या चीज़ का दिया? कॉल सेंटर। अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है सो। अभी होगा? यस सो। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। क्या चीज़ से? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके आगे फिर पढ़ाई करना? यस सो, बीटेक में एडमिशन करवाना है। बीटेक मतलब इंजीनियरिंग? हाँ यस सो। इंजीनियरिंग करिएगा फिर कॉल सेंटर में? सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कहाँ घर है? पतरातू। पिताजी क्या कर? ऐसे ही लेबर है। यस सो। यहाँ प्राची में रहकर पढ़ाई करते हैं कि आज आए हैं सिर्फ? पढ़ाई करते हैं सो। यस सो। यहाँ हो जाएगा तो कर लीजिएगा? यस सो। तो बोला 8,000? हाँ यस सो। यस सो। पढ़ाई लिखाई फिर बाधित नहीं होगा? होगा सर, बट मैनेज करना पड़ेगा। पिताजी अब पैसा नहीं भेजते? भेजते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है, इस वजह से करना चाहते हैं। घर में बड़े हम ही हैं तो। सबसे बड़े आप? यस सर। कितना भाई बहन है? दो भाई बहन है, भाई छोटा है हमसे। सारी नौकरी जो निकलती है उसका भरते हैं आप? सर कंप्यूटर साइंस वाले नहीं कर सकते हैं, बीटेक के बाद ही होता है, डिप्लोमा लेवल पे नहीं होती है। क्या नाम है? दामिनी कुमारी। दामिनी जी क्या चीज़ में आए? रिसेप्शनिस्ट के लिए आए थे। हुआ? अभी पता चलेगा सर, बोले फ़ोन करेंगे। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई? अभी ग्रेजुएशन में BCOM सेकेंड ईयर परस्यू कर रहे हैं। अभी क्यों चाह रहे हैं पढ़ाई पूरी करके फिर करते? थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए अपना जॉब करके और खुद से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे फिर। जी यहाँ पर है अभी रिसेप्शनिस्ट का? क्या रिसेप्शनिस्ट का वैकेंसी है? लग रहा है कि हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हमको पता है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.